वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो बहुत से देश हैं जो अपनी संस्कृति और कानूनों की वजह से पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, और हम ऐसे ही एक देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने इतिहास और संस्कृति का देश माना जाता है। लेकिन हर देश की तरह इस देश की भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये बाकी देशों से अलग बनता है, और इसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्रीय भाग में स्थित है, जो कि चारों ओर से घिरा एक लैंडलॉक देश है। उज्बेकिस लोग अपने से बड़े की काफ़ी सम्मान और कदर करते हैं, और वो लोग कभी अपने माता पिता का मजाक नहीं उड़ाते और ना ही उन पर चिल्लाते। उज्बेकिस्तान में कानून बहुत ही सख्त है। यहाँ 20 साल से कम उम्र में शराब, तंबाकू या ड्रग्स इस्तेमाल करना अपराध है। इस देश में समलिंगता को गैरकानूनी माना जाता है। उज्बेकिस्तान में वेश्याकृति एक आम बात है। हालांकि यहाँ वेश्याकृति को इलीगल माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वेश्याकृति होती है, और एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में लगभग 22,000 वेश्या काम करती हैं। यहाँ सिर्फ गरीबी के कारण कई लड़कियों को वेश्याकृति में जाना पड़ता है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इस देश को एशिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहाँ के 88% लोग मुसलमान हैं, और बाकी बसी आबादी बाकी धर्मों का पालन करती है। उज्बेकिस्तान में एक प्राचीन परंपरा है जिसमें घर के किसी सदस्य को अगर बाहर जाना है तो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा खाना होता है, और ब्रेड का बाकी हिस्सा तब तक वो घर लौट कर आए जब तक छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको उन लोगों के नाम बताने जा रही हूँ जो हमारी वीडियोस को रोजाना देखते हैं और लगातार कमेंट भी करते हैं। सबसे पहले हैं सोहेल अहमद और दूसरी सिंधी चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाली अगली वीडियो में आपका भी नाम लिया जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।